बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मलिक अब्दुलरहमान। नासरीन, पाकिस्तान के अंदर नशावर अद्वियात जो है, यानी कि मंशियात फरोशी, उसके हवाले से जो है वो बड़ी बात होती है कि स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हर जगह के ऊपर ये बड़ा रुझान बढ़ रहा है और एक फ़ैशन के तौर पर जो यंग एज के लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर जो है हम ये भी देखते हैं कि जो सिगरेट्स हैं ख़ास तौर पर, यहीं से सारे मामला शुरू होते हैं और उसके बाद जो नशावर दूसरी अद्वियात हैं वहाँ तक बात जाती है। तो जो नॉर्मल सिगरेट्स हैं उनके हवाले से भी पाकिस्तान में कानून मौजूद है कि कोई भी जो कंपनी है सिगरेट बनाने वाली, उसकी तशहीर नहीं कर सकती। उसकी कोई भी एडवर्टाइज़मेंट आपने कभी भी टेलीविज़न पर, अखबार में कहीं भी नहीं देखी होगी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने ये बात देखी है कि कुछ ऐसी कंपनी जिनके जो इश्तहारात हैं, जो एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर, जो आम दुकानें होती हैं उनके ऊपर हमें लगी दिखाई दी हैं। और इसी हवाले से जो है वो ये बात सामने आ रही है कि एक मल्टीनेशनल सिगरेट कंपनी फ़िलिप मॉरिस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये जो मुकदमा है, तंबाकू नोशी की ममानत व नॉन स्मोकर्स के तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डीनेंस 2002 के तहत थाना गार्डन टाउन में दर्ज किया गया है। लाहौर के अंदर ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके मुताबिक सिगरेट ब्रांड्स की तशहीर करने पर कानूनी तौर पर पाबंदी आयद है, लेकिन तशहीर की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद इनकी तशहीर की जा रही है, जिस पर फ़िलिप मॉरिस पाकिस्तान के CEO के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे के मतन के मुताबिक बरकत मार्केट गार्डन टाउन में एक दुकान में सिगरेट के ब्रांड के पोस्टर चिस्पा है और दुकान के अंदर भी फ़िल्म मॉरिस पाकिस्तान के ब्रांड की तशहीर की मुहिम की जा रही है। और ये जो तशहीर की जा रही है या इसके जो इश्तहारात लगाए गए हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। वो शॉप्स जहाँ से जो है वो मैं जाता हूँ खुद, जिन शॉप्स के ऊपर, वहाँ पर मैंने इनकी तशहीर देखी है। और ये चीज़ मेरे लिए भी हैरानगी की चीज़ थी कि ये कौन ऐसा बंदा है, कौन इतना पावरफुल है कि जो कि इस तरीके से कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है कि एक चीज़ पाकिस्तान में बैन है कि आप तशहीर नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद इन सिगरेट्स की तशहीर की जा रही है। और FIR में तो ये लिखा है ना कि बरकत मार्केट में सारा कुछ जो है वो हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में इसकी तशहीर की गई है। और ये जिस शख्स की भी कंपनी है या जो है जिसकी भी इसको आशीर्वाद हासिल है, ये पाकिस्तान में सिलसिला रुकना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप, मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में जो है वो नशावर अद्वियात के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर यंग एज के जो लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और एक ही अच्छा काम था कि इसकी तशहीर नहीं होती थी, लेकिन अगर आप इसकी तशहीर भी करेंगे, दुकानों के ऊपर इसकी फ्लैक्सिस भी लगेंगी, तो ये जो है पूरी पूरी आप उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। और ये बात मैं इस वजह से बार बार कर रहा हूँ क्योंकि जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उनके मुताबिक पिछले महीने जो है वो वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की हिदायत पर वजारत सेहत की जानब से सिगरेट ब्रांड्स की गैर कानूनी तशहीर में मुलव्वस सिगरेट साज कंपनियों को नोटिस भी जारी किए गए थे और 10 दिनों में वजाहत तलब की गई थी। लेकिन उसके बावजूद इन इश्तहारात को नहीं उतारा गया और ना ही इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई आगे प्रोग्रेस हुई है। हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर नोटिस भी ले रही है, लेकिन फिर भी इन कंपनियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।